सभी लोगों का नमस्कार प्रणाम, आप सबका स्वागत। मैं सूरत राम आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही है, मेरा काम है लोगों के बीच में जाना, लोगों से बातें करना, लोगों की समझ बनाना और खुद की समझ बनाना। आज मेरे बीच में, आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए अनुपम जी आए हैं, और अनुपम जी के बारे में बस मैं आपको थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूं, फिर आप बाकी तो समझ ही जाएंगे। अनुपम जी मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं और मीडिया के बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं मीडिया के साथ, तो मुझे भी सौभाग्य मिल गया। मैं भी ट्रेडिशनल मीडिया हूं, पुराना पारंपरिक विजुअल मीडिया का सबसे पहला मीडिया, तो कठपुतली आज अनुपम जी से बात कर रही है। तो अनुपम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद। आज हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत मैं वेलकम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आपसे थोड़ी बातें बातें करने का मेरा मन हो रहा है कि एक तो परंपरा और एक आज का डिजिटल वर्ल्ड दुनिया, तो मेरा सवाल ही यहीं से शुरू होता है कि पहले तो परंपरागत कम्युनिकेशन के माध्यम थे और आजकल ये डिजिटल माध्यम है, तो इनमें आप क्या देख रहे हैं, पहले में और अब में क्या कमी क्या अच्छा, थोड़े आपके विचार, आप अपने बारे में भी थोड़ा बताइएगा। और ये मेरे पहले सवाल के बारे में आपका स्वागत है अनुपम जी। जी सूरज जी, पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, मुखातिब हूँ और एक पत्रकार से बात कर रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप उस जमाने के और मुझे लगता है सबसे पुराने पत्रकार हैं, जब मानवी दृष्टिकोण से जब समाज के साथ जब इंटरेक्शन शुरुआत हुआ, जब बातचीत शुरुआत हुई, तो आपका रोल बहुत रहा है और आज भी आपका रोल बहुत रहा है। सूरत राम जी, हमारी टीआरपी कम थी उस समय। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपसे मेरी बात हो रही है। और जैसे आपने कहा कि आप परंपरागत मीडिया रहे हैं और अब जो है डिजिटल मीडिया का जमाना है, टेलीविजन मीडिया का जमाना है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बात हम दोनों में जो कॉमन है वो यही है कि हम दोनों ही कम्युनिकेशन करते हैं, लोगों से संवाद स्थापित करते हैं। और यही हमारे मंच अलग अलग हो सकते हैं, मीडियम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आज हम कम्युनिकेशन ही करते हैं। और मुझे लगता है आपसे, आप जितना स्ट्रांग कम्युनिकेशन और जितना मजबूत कम्युनिकेशन लोगों से आप बात कर पाते हैं, उसका असर जो होता है वो हमसे भी बहुत ज़्यादा है। आज भी बच्चे आपको इतना चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, खुद मेरे बच्चे हैं, वो जब भी आपको देखते हैं कहीं भी और आपके भाई बंधुओं को भी देखते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं बात करने के लिए। तो ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। और खासकर जो आपने फ़र्क की बात करी, हाँ बिल्कुल फ़र्क है, मीडियम्स अब आगे चले गए हैं, ज़माना जैसे तेज़ी से चल रहा है, बच्चे मोबाइलों में पढ़ने लगे हैं, टेलीविजन्स में पढ़ने लगे हैं, कंप्यूटर्स में पढ़ने लगे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा हम एक नया माध्यम हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा, जितना मजबूत कम्युनिकेशन लिंक आपका होता है, उतना मजबूत कम्युनिकेशन लिंक इसकी कोई काट नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है सूरज जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुप जी आपका, और आपने इस बात को अंडरलाइन किया और आपने पुराने माध्यम को भी महत्व दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। लेकिन वर्तमान की जो हालत है, जिस तरीके की स्थितियां हैं, दुनिया में इतने सारे चैनल हैं, इतने सारे हमारे सोशल मीडिया के चैनल हैं, ऐसी हालत में एक मीडिया कर्मी होने के नाते आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप, और कैसे इसमें कोई नया पत्रकार बनेगा तो उसको क्या करना है, कैसे अपने आप को खोपड़ी घूम जाएगी उसकी। तो जी सूरज जी, देखिए मैं इसको इस तरीके से लेता हूं कि आपके पास इस समय, आप अपने देश में देखिए, भारत में तो हजारों की संख्या में इस वक्त चैनल हैं, 1000 से ज्यादा चैनल हैं, जो समाचार चैनल भी हैं, जो आपको जानकारियां देते हैं, खेल के चैनल है, कुछ चैनलों में सिर्फ फिल्में आती हैं, कुछ में सिर्फ इंफोटेनमेंट आता है जो आपको तरह तरह की जानकारियां मनोरंजक तौर पर देता है, और इसके अलावा हजारों हजार सोशल साइट्स हो गई हैं और OTT प्लेटफॉर्म जिसको आजकल बोलते हैं, तमाम तरह के एप्लीकेशन हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो आप टीवी में भी देख सकते हैं, मोबाइल्स में भी देख सकते हैं, उसमें बहुत सी जानकारियां हैं, बहुत से मनोरंजन के साधन हैं, खबरों के चैनल्स वहां भी अवेलेबल हैं। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि लोगों के पास इस समय बहुत चॉइस है, उनके पास जो दर्शक हैं, जो जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन को जानना चाह रहा है, जो भी जानकारी जानना चाह रहा है, उसके पास अब बहुत सी चीज़ें हैं। वो जमाने लग गए जब 2-4 चैनलों के लोग भरोसे में रहते थे, आज आपके पास बहुत कुछ देखने के लिए है। आप अगर
देश दुनिया की खबरों में, सिर्फ दुनिया की खबरों में अगर आपकी दिलचस्पी है कि हिंदुस्तान से बाहर दूसरे देशों में क्या हो रहा है, तो उसके लिए आपके पास अलग से चैनल्स हैं। आपको सिर्फ देश के बारे में जानना है उसके लिए अलग से हैं। आप भाषाई पत्रकारिता में दिलचस्पी रखते हैं तो आपके पास रीजनल चैनल हैं। आप देश के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके पास नेशनल चैनल हैं। अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, जिस भाषा में कहिए उस भाषा में इस वक्त सब कुछ अवेलेबल है। तो आज के ज़माने में मुझे लगता है कि ये नए ज़माने की चीज़ है। प्लेटफॉर्म बड़ा है और बहुत से चैनल्स भी बड़े हैं, बहुत से और क्या कहते हैं आपके सोशल मीडिया के चैनल्स भी बड़े हैं। काम करने की संभावनाएं इस समय बहुत ज़्यादा हैं। जो नए पत्रकार आना चाहते हैं, मुझे लगता है उनके लिए सबसे सुनहरा समय है काम करने की दृष्टि से, क्योंकि इस समय कहीं ये नहीं है कि काम की कमी है। काम की कमी नहीं है, खूब काम अवेलेबल है, बहुत प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। ज़रूरत है तो आपके पास वो टेम्परामेंट होना चाहिए, जैसे आपका, आप खुद पत्रकार है, जैसे मैंने कहा हम भी पत्रकार हैं। जी जी जी। लेकिन पत्रकारिता में एक हमेशा ये होता है कि आपके आज मूड शायद चेंज हो गए हो, लेकिन जो डिमांड है, जो उसकी प्रोफेशन की मांग है, वो आपसे अन्य कामों के अलावा पत्रकारिता का जो प्रोफेशन होता है, मीडिया का जो प्रोफेशन होता है, कम्युनिकेशन का जो प्रोफेशन होता है, वो कुछ स्पेशल टाइप की आपसे डिमांड करता है, आपसे ज़्यादा समय मांगता है, ज़्यादा मेहनत मांगता है, कमिटमेंट मांगता है। वो किसी में हो तो मुझे लगता है वो कोई भी आए और उसके लिए भविष्य बड़ा अच्छा है आगे को। मुझे आपकी बात से बहुत समझ बनी और बात समझ में आ रही है। वाकई बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत काम करने के लिए है। एक आपने टेम्परामेंट की बात की, वाकई टेम्परामेंट किस तरीके का है, उसकी समझ कैसी है, किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है, मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना चाहता है। मुझे एक चीज समझना है, पिछले कुछ दशकों से, पहले भी जैसे दूरदर्शन पे सूचनाएं आती थी, जी जी, और अभी आप जैसे बता ही रहे हैं कि हमें अध्ययन और हमारी कॉम्पिटिटिव भावना और हमारी समझ कितनी इसमें काम करती है, इन सब चीजों को। आप वर्तमान में ऐसी क्या चीज देख रहे हैं जिससे कि एक माध्यम गड़बड़ भी कर सकता है? देखिए, मतलब मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है कम्युनिकेशन। हाँ, आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही कि देखिए ये किस तरीके का प्रभावशाली मीडियम है मीडिया। इससे पहले मैं एक बात आपको और कहूँ, जो आजकल देखिए मीडिया के अलावा, जैसे हम लोग किसी टीवी चैनल में काम करते रहे हैं, मैं अखबार में भी काम करता रहा हूँ, तो हम एक तरीके की जो स्थापित माध्यम है खबर देने के, हम उसमें देते रहे हैं, काम करते रहे हैं। हम जो खबर देते हैं काफ़ी ठोक बजा के देते थे, कहीं कोई गलत खबर ना चले जाए, वो जिम्मेदारी का एहसास होता है। अब है सोशल मीडिया का जमाना, अब हर कोई पत्रकार है, ठीक है। आज फेसबुक में जो लिख रहा है वो भी पत्रकार है, एक सेल्फी डाली और सूचना दे दी, सूचना दे दी, हाँ, तो कोई भी किसी तरीके की भी सूचना को दे रहा है। और यही वजह है कि लोग, बहुत सी गलत सूचनाएं प्रसारित हो जाती हैं और जिसको लोग फेक न्यूज़ भी कहते हैं, उसके कई कई बार उसका इतना गलत असर चला जाता है समाज पे। एक बात तो वो है, दूसरी बात ये है कि जो मीडिया है, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं मीडिया में, स्थापित मीडिया संस्थानों में, उनकी क्या जिम्मेदारी है? मुझे लगता है वो जिम्मेदारी का एहसास अब ज़्यादा हो गया है, क्योंकि एक गलत सूचना और एक गलत सूचना का संप्रेषण अगर हमारे एंड से हो जाता है, या हमारे हमारे हाथों से अगर सूचना, कोई गलत सूचना निकल जाती है, एक बार टेलीविजन में ही निकल जाती है और एक बार खबर चल गई, तो उसका असर बड़ा खतरनाक होता है कि अब उसको आदमी रिकॉर्डिंग रख सकता है, उसका स्क्रीनशॉट रख सकता है और उसको तमाम तरीके से व्हाट्सएप पे या दूसरे माध्यमों से घुमाता रहता है। इसलिए आप देखेंगे कई कई बार कोई गलत खबर अगर चल गई हो किसी मीडिया संस्थान से, तो उसके व्हाट्सएप ही घूमते रहते हैं, चाहे उन्होंने उस खबर को विड्रॉ कर लिया हो, उसकी माफी मांग ली हो। तो इसलिए इस समय जिम्मेदारी ज्यादा है पत्रकारों के कंधों पे कि वो सूचना को काफी ठोक बजा के दें। कंपटीशन है, मैं मानता हूं, और सबका कंपटीशन है, सबको जल्दी रहती है कि हम पहले इंफॉर्मेशन दें, हम पहले खबरें दें। ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि हम उस इंफॉर्मेशन को कितना ठोक बजा के देख रहे हैं। इसी के साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, जो मैंने कहा ना कि हर आदमी इस समय पत्रकार है जो सोशल मीडिया पे है, लोग भी जो इंफॉर्मेशन और जो आम जन भी जो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं या आगे को बढ़ाते हैं, व्हाट्सएप पे आ गई भाई, जो कुछ भी आया आगे को फॉरवर्ड ना करें, ये कभी ना करें, एक बार देख लें। आधी से ज़्यादा सूचनाएं जो व्हाट्सएपों पर चलती हैं, ये इस तरीके से सोशल माध्यमों पर कई बार घूम रही होती है, एक हाथ से दूसरे हाथ में, वो बहुत हानिकारक हो सकती है। आप कई बार देखेंगे कि आज आजकल में कोई एक सूचना चली थी
जो हमारे प्रणब मुखर्जी साहब हैं, जो प्रेसिडेंट रहे हैं, उनके बारे में कुछ भ्रामक सूचनाएं चली, तो इस प्रकार से बड़ा एक कंफ्यूजन सा हो जाता है समाज में। तो वो जिम्मेदारी सबकी है कि सब देखें, जिम्मेदारी का एहसास जाहिर तौर पे इस समय पे ज्यादा है। और अब देखिए, एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूँ, शायद मेरे जवाब लंबे हो रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी, 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 जी। क्योंकि देखिए, आज एक पत्रकार पत्रकार का इंटरव्यू कर रहा है जी, जी, और पत्रकार को बोलने का मौका मिल रहा है। आप देखिए, मार्च में जब हिंदुस्तान में जब कोरोना आया, कोरोना के बाद और भी जिम्मेदारी पत्रकारों की बढ़ गई है, मीडिया संस्थानों की बढ़ गई है, क्योंकि कोरोना में बहुत सी जानकारियां लोगों को जानना चाहते हैं क्या है, लोग डरे भी रहते हैं क्या बीमारी है, कहीं ये होने से तो नहीं हो जाएगी। तो कोई ऐसी बिना वैज्ञानिक तथ्य के कोई खबर चले जाए अगर हमारे हाथों से, तो वो बड़ा नुकसान कर सकती है समाज में। तो उस बारे में भी मुझे लगता है कि ऐसे समय में भी हमें बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है कि गलत सूचना तो ना चले जाए। यही बात सोशल मीडिया के साथियों के लिए भी है, जो लोग काम करते हैं वो भी अपने हाथ से कोई ऐसी जानकारी आगे को ना बढ़ाएं जिसमें खुद उनका मन गवाही ना दे कि ये सूचना गलत भी हो सकती है। भाई दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अनुपम जी। जैसे देखो भाई, हम टेक्नोलॉजी मतलब सूचना क्रांति के टाइम पे हैं, सूचना हमारी टिप्स पे पड़ी हुई है और सूचनाएं हमारे पास इतनी ज्यादा है। तो मेरे सवाल से ही मैं ये शायद दर्शकों के लिए भी बात समझ में आएगी। मेरा सवाल ये है, एक तो है सूचना, एक है जानकारी। तो एक तो खाली एक हो गया कि आपने सूचना दे दी, और एक ये है कि मैं अपनी बात लोगों तक ये वाली बात जो है, जैसे कोई विशेष बात पहुंचाना चाहता हूं, तो ये सूचना देने में और विशेष बात पहुंचाने में आप कम्युनिकेशन के आदमी है, आप क्या फर्क देखते हैं, क्या देखना चाहिए जिससे कि हमारी बात पहुंचे और उसका हमें जो आंसर भी वापस मिले। हाँ देखिए, ये भी आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है, क्योंकि इसमें बड़ा घालमेल हो गया है कि आप अपनी बात क्या कहना चाहते हैं। आप व्यूज और फैक्ट्स के बीच में घालमेल तो नहीं कर रहे हैं, आप अपनी मतलब जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, तथ्य में आप अपने विचारों को डाल के अगर देंगे तो वो बड़ा अटपटा हो जाता है, उसका भी असर कुछ का कुछ निकल जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन। मैं किसी चीज़ को कैसे देखता हूँ, आप किसी चीज़ को कैसे देखते हैं, ये हमारा एक विचार हो सकता है। लेकिन जो सूचना है, जो तथ्य हैं, वो तो वही रहेंगे। यहाँ पर एक मेज रखा है, मैं अनुपम हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये तथ्य हैं। अब हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं, इसको अलग अलग लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। तो ये चीज पे बड़ा फर्क चाहिए, और मुझे लगता है जो सूचनाएं हैं वो सूचना के तौर पे ही देना चाहिए, खाली सूचना के तौर पे, यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ यही हुआ, और उसमें जो है अपने व्यूज को ना डाला जाए। और इसमें क्योंकि ये एक सामूहिक टाइप का प्रयास है, सभी मीडिया संस्थानों को करना होता है, सभी पत्रकारों को करना चाहिए, तो तब जाके ये चीज़ें होती हैं। और मैं इत्तेफाक रखता हूँ आपकी बात से, ये दोनों की सूचना का घालमेल होने से जो है कई बार दिक्कत आ जाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, जैसे कई बार पत्रकार हैं वो अपनी बात कहना चाहते हैं और उनके पास अब माध्यम है, वो सीधे तौर पे अगर अपने संस्थानों में नहीं कह सकते हैं, अगर टेलीविजन में जैसे मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ समय की कमी है या उस तरीके का कोई टाइम स्लॉट नहीं है जिसमें अपनी बात कह सकूँ, लेकिन मुझे बात कहनी है, मैं बतौर पत्रकार मेरी एक पहचान है, तो मुझे आके सोशल मीडिया में भी कह सकता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लोग उसे देखते हैं, फॉलो करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। अगर आप कुछ गलत बोले, आपसे इत्तेफाक नहीं रखते, तो वो भी बताते हैं हम आपसे इत्तेफाक नहीं रखते। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग होनी ही चाहिए, इसमें घालमेल होने की कोई गुंजाइश भी नहीं है और ना होना चाहिए। ध्यान रही है, घालमेल की गुंजाइश नहीं, अनुपम जी कह रहे हैं। अनुपम जी, आपसे बात करके एक तो बहुत मजा आ रहा है मुझे, मुझे भी दरअसल क्या है ना, कठपुतली को भी तो ज्यादा महत्व दिया नहीं है ना लोगों ने हमारे देश में, तो मतलब कठपुतली का मतलब है ऐसी। हाँ, तो मैं जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, मेरा एक और ये सूचना के ही आधार पे, पिछले कुछ साल पहले एक सूचना अधिकार कानून आया था जी। क्योंकि बात सूचना की हो रही है, बात जानकारी की हो रही है, बात जानकारी लेने देने की हो रही है, तो उस कानून के बारे में आपका क्या कहना है? और मैं ये थोड़ा सूचना से जुड़ा हुआ सवाल है, इसीलिए मैं खाली पूछ रहा हूँ, इसके बाद मैं वर्तमान स्थिति पे भी थोड़ी बातें करूंगा आपसे। देखिए, सूचना का अधिकार कानून आया, उसमें जैसे वो शब्द से ही बड़ा स्पष्ट है, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। आप कोई जानकारी चाहते हैं, वो आपका अधिकार है, आप पे कोई कृपा नहीं कर रहा, वो आपका अधिकार है।
ये आपको इस तरीके का अधिकार हमारी व्यवस्था देती है देश की। तो अगर आपको ऐसा कहीं लगता है, कहीं पे कोई आपकी बात जो आप जानना चाह रहे हैं वो नहीं आ रही है, या कोई तथ्य आप जानना चाह रहे हैं वो नहीं आ रहा है, और आपने बहुत कोशिश कर ली, आपने मीडिया को भी खंगाल के देख लिया, आप फिर भी वो जो जानकारी आप चाह रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं हुए, तो इस कानून का उपयोग वहाँ पर करना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ कि RTI के माध्यम से, सूचना के अधिकार के माध्यम से बहुत कुछ लोगों को एम्पावरमेंट आया है, ऐसी ऐसी जानकारियाँ, ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं, है ना। और एक तरीके का एक दबाव, एक नैतिक दबाव काम करता है। मान लीजिए अगर कोई सड़क कहीं बन रही है, सड़क की क्वालिटी में लोगों ने सूचना के अधिकार में सवाल लगाए हैं कि भाई यहाँ तो एक पैर मारो डामर पूरा उखड़ के निकल रहा है, ये किस तरीके की रोड बन रही है। और यकीन मानिए, मैंने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं जिसमें कि रातों रात सड़कें ठीक हुई हैं, उनकी गुणवत्ता में बहुत फर्क आया है। तो वो अधिकार तो गजब का अधिकार है, और इसका इस्तेमाल अगर सही डायरेक्शन में किया जाए तो बहुत पॉजिटिव वे में अगर किया जाए और सही डायरेक्शन में किया जाए तो इसके जो रिजल्ट हैं वो बड़े गजब के हैं, जो आपके पूरे सिस्टम में काफ़ी हद तक जो चीज़ें नहीं हो पाती हैं वो भी ठीक कर सकते हैं, और जो आप जानकारी चाह रहे हैं वो आती है, और ट्रांसपेरेंसी बहुत रहती है, पारदर्शिता सिस्टम में एक बनी रहती है। जी जी, बहुत बड़ी बड़ी आपने काफ़ी समझदारी से इसका आपने मुझे समझाया, और वाकई ये बहुत महत्वपूर्ण कानून है। एक और हमारे संविधान ने हमें हक दिया है, आप क्योंकि मीडिया के आदमी हैं आपसे तो बात करना ही करना है, ये सवाल पूछना ही पूछना है, ये हमारे जो स्वतंत्रता बोलने की आज़ादी, यानी बोलने की आज़ादी तो पत्रकारों को तो है, होनी चाहिए, लेकिन उसकी आजादी में आप क्या वर्तमान में आजादी पे पाबंदी देख पा रहे हैं क्या? देखिए, मैं उसको ऐसा कहूंगा कि आजादी के साथ साथ अब जब आपका एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी आया है, जो IT एक्ट जिसको बोलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, टेलीविजन आया, टेलीविजन के बाद सोशल मीडिया आया, इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। एक जमाना वो था जब सिर्फ अखबार होते थे, अगर किसी दर्शक को कोई बात कहनी होती थी तो उसके पास क्या ऑप्शन होता था, वो एक कॉलम आता था उस अखबार में, लेटर टू द एडिटर या संपादक के नाम पत्र, उसमें वो भेजता था और बताता था कि साहब ऐसा ऐसा इसमें छपा था, या ऐसा कोई विषय है, मेरी बात मुझे रखनी है, हजारों चिट्ठियां जाती थी, कुछ छप पाती थी। आज वो दौर नहीं है, आज क्या है कि आपके पास सोशल मीडिया है, मीडिया तो है ही है, अब सोशल मीडिया ज़्यादा ताकतवर हो गया है, तमाम आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप कोई भी बात कहते हैं, चूंकि आपके पास बोलने का अधिकार है, कानून आपको ये अधिकार देता है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच सब आपको पास मिली हुई है, तो आप देते हैं। लेकिन उसके साथ ही इसका ये मतलब नहीं है, इस अधिकार का, कहीं कोई ऐसी बात हो जाए कि जिससे दंगे भड़क जाएं। अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले बैंगलोर में ऐसी एक घटना हो गई, किसी ने कुछ फेसबुक पे आपत्तिजनक लिख दिया जिससे पूरे दंगे भड़क गए, कुछ लोगों की जानें चले गईं और एक पूरा माहौल ख़राब हो गया, अच्छा खासा माहौल ख़राब हो गया। तो राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, ये सब आपको अधिकार तो देता है, आपको बोलने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन साथ में ही अगर आपने कुछ ऐसी बात कह दी कि जिससे सरकार को लगे या सरकार के सिस्टम में बैठे हुए लोगों को लगे कि उससे कुछ माहौल ख़राब हो सकता है या हो रहा है, तो आपको पकड़ने में और संबंधित धाराओं में बुक करने में, गिरफ्तार करने में आपको कतई देर नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको बेंगलोर के मामले में कहा है, कई बार ऐसे होती हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको कहने का अधिकार है, इसी के अंतर्गत आप कोई ऐसी बात कह जाते हैं, मुख्यमंत्री को लेके, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेके कुछ समय पहले कुछ एक भ्रामक सूचनाएं चला दी गई, उनके जीवन को लेके चला दी गई, तो ऐसे में तुरंत पुलिस ने उनको पकड़ा, IT एक्ट की धाराओं में उनको निरुद्ध किया और जेल में डाला, जो भी उनकी सजाएं जिसके लिए भी सरकार प्लीट करना चाह रही होगी, अधिकारी प्लीट करना चाह रहे होंगे, उनको लेके वो कोर्ट गए। तो आपको ये अधिकार तो देता है कि आपको बोलने का पूरा अधिकार है, आप अपनी ठीक बात बोलिए, लेकिन उसकी आड़ में ये ना हो जाए कि कहीं पर हम कुछ ऐसी बात कह दें कि समाज में विदुषा फैल जाए, कुछ गलत बात चले जाए, ये चीज़ का भी हमें ख्याल रखना है मेरे ख्याल से। अनुपम जी, एक बहुत ही, क्योंकि आपसे बात करके मन थोड़ा 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 और बढ़ रहा है। जी जी, मेरा भी। आप जागरूक पत्रकार हैं और आपसे बात करके, आप यंग भी हैं, तो ये मैंने एक सवाल तो आपसे पूछा ही था कि वर्तमान में पत्रकारिता के लिए चैलेंज क्या है और पत्रकारों के लिए भी चैलेंज क्या है। देखिए, पत्रकारों के लिए चैलेंज तो सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको ये कोरोना काल का ही देता हूँ,
ये मार्च में जब से लॉकडाउन हुआ, देश बंद हुआ और अब तो धीरे धीरे चीज़ें खुलने लगी हैं, इस सारे माहौल में हमें एक चीज़ बताई गई कि हम सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और इस प्रकार से हम घरों में सुरक्षित रहें। लेकिन अब आप समझिए, आप तक जो जानकारियां आ रही थी वो कौन ला रहा था? कुछ लोग ला रहे थे जो फील्ड में काम कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, वो पत्रकार ही हैं। पुलिस व्यवस्थाएं बने आ रही थी, डॉक्टर्स आपके हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो ये सब लोग जो फ्रंट लाइन में रहे हैं, जो आगे बढ़ बढ़ के लगातार रहे हैं। और चूंकि मैं पत्रकार हूं तो मैं पत्रकारों की बात करूंगा, रोज जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, कई तरीके के लोगों से मिलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का भी पालन करते हैं, तब भी दिल में कहीं ना कहीं एक छोटा सा होता है कि हमारी जिम्मेदारियां हैं उसका हम निर्वहन कर रहे, फिर हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां, हमें घर भी वापस जाना है, घर में बड़े बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। ये ना हो कि हमारे वजह से पूरा परिवार ही बीमार हो जाए या कोई जाने अनजाने में उनको भी संक्रमण फैल जाए, ये डर हमेशा रहता है। लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन करने से लोग पीछे नहीं हटे, जो भी हो सकता था, जितना हो सकता था, पत्रकारों ने मुझे लगता है कि देश भर में अलग अलग प्रांतों में रहते हुए खूब बढ़िया अपना रोल निर्वाह किया है, फ्रंट लाइन में रहते हुए खबरें भी आप तक पहुंचाई हैं, जानकारियां भी दी हैं, लेकिन साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग और तीन चार चीज़ें जो बताई जाती हैं, साफ सफाई रखना ताकि हम संक्रमण से दूर रहें, वो लगातार किया है। और उसको वो एक चैलेंज था, देखिए एक दबाव का समय था, दबाव का समय था, जब सड़कें खाली थी, आप जा रहे हैं हॉस्पिटलों के आसपास जा रहे हैं तो हमेशा कहीं ना कहीं शक शुबहा तो रहता ही है, लेकिन उसको किया। कई लोग इस दौरान उनको संक्रमण हो भी गया, लेकिन फिर भी जो है जीवन चलता है, आगे बढ़ते हैं और यही हमारा काम है, क्योंकि हम फ्रंट लाइन के स्टाफ हैं, इसलिए हमने काम किया और जीवन चलता रहा, उसी अपनी ड्यूटीज पे लगे, अभी भी लगे हुए। क्या बात है, लोगों को लगता है सूचनाएं ऐसे ही मिल जाती है, और ये कितनी बड़ी बात आपने कही है। तो आपके माध्यम से और इस बात को, आपकी बात को मैं लोगों को और पहुंचाना चाहता हूँ। भाई मैं मुर्दा कठपुतली हूं, जब मेरी आत्मा हिल गई है, जो ये वायरस, जितने भी जो लोग हैं इस महामारी के टाइम पे सड़क पे, पुलिस, पत्रकार, डॉक्टर सब निकले, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से, और आपका भी अनुपम जी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वाकई बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मेरा एक छोटा सवाल और आ गया, जी वर्तमान में हमारे एजुकेशन की हालत जो है, ये नई तकनीकी से शिक्षा कैसे हो सकती है, ये माध्यम से शिक्षा आप क्या लिंक देखते हैं और कैसे इसका ठीक उपयोग हो सकता है, आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, अभी तो आप देखेंगे कि पूरे देश भर में हमारे सारे कॉलेज बंद हैं, यूनिवर्सिटियां बंद हैं, स्कूल बंद हैं, बच्चे अपने घरों में बैठ के पढ़ रहे हैं। ये सबके लिए नया अनुभव है, पढ़ाने वालों के लिए भी नया अनुभव है और पढ़ने वालों के लिए भी नया अनुभव है, साथ में उन सबके पेरेंट्स के लिए, माँ बापों के लिए भी नया अनुभव है कि किस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का नाम आया, तो मुझे लगता है कि ये पूरा एक नया जो फेज आया ऑनलाइन एजुकेशन का, और इसमें पत्रकारों की या मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है, इसको लेके भी चर्चा समय समय पर होती रही है। मुझे लगता है अभी ऐसा समय आ गया कि जहाँ पर टेलीविजन चैनल्स ने दो कदम आगे बढ़ के सूचना देने के अलावा उस प्लेटफॉर्म के तौर पे भी काम किया है, जहाँ वो भी बच्चों को पढ़ाने में या उन तक सूचनाएं पहुँचाने में, उनके मतलब की उनके कोर से जुड़ी हुई पहुँचाने में, एक थोड़ा थोड़ा एक धीरे धीरे उस कदम को आगे बढ़ाने में कुछ अपना कोशिशें जारी रखी हैं, उसके कुछ सार्थक परिणाम भी आए हैं। और मुझे लगता है आने वाला तो सारा समय जो है अब इस पे पूरी तरीके से निर्भर करेगा। वो जमाने चले गए जब टेलीविजन को महज हम मनोरंजन के तौर पे देखते थे, बुद्धू बख्शा भी कहते थे लोग, बुद्धू बख्शा कहते जी थे, इडियट बॉक्स कहते थे, जी जी लेकिन जी वो इडियट नहीं रहे, मुझे लगता है कि वो बड़ा इंटेलिजेंट बॉक्स हो गया है, जी जो जी आपको तमाम जानकारियां दे रहा है, पढ़ने लिखने के बच्चों को भी आपके अवसर उपलब्ध करा रहा है, टीचरों से बात हो सकती है, वीडियो कॉलिंग हो सकती है, बहुत कुछ मल्टीपल चीज़ें उसमें हो सकती हैं। तो एक नए जमाने के लिए और इफेक्टिव तरीके से पढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि बहुत तेजी से इस दिशा में अब कदम बढ़ेगा, खासकर कोरोना ने जो हमें अचानक ये सब चीज़ें दी हैं। हो सकता है कि हम धीरे 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 हिंदुस्तान में इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ते, लेकिन कुछ मजबूरी वश सबको एकदम करना पड़ा। ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना आया, मोबाइलों पे बच्चे पढ़ने लगे, टेलीविजनों में, कंप्यूटर स्क्रीन में, जिसके पास जो भी अवेलेबल है उसमें पढ़ने लगे, तो चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई हैं। चैनल्स ने भी अपनी भूमिका रखी है, जैसे मैं एक उदाहरण किसी को दे रहा था कि ICSE बोर्ड ने एक चैनल के साथ टाई अप करा था
और उस ICSE बोर्ड में बहुत से स्कूल एफिलेटेड होते हैं, जुड़े होते हैं, तो वहाँ के बच्चों को कम से कम एक घर में बैठे एजुकेशन मिलने लगी, उनको वहाँ की टीचर्स के साथ वो संवाद स्थापित करने लगे, एक तरफा संवाद ही सही लेकिन संवाद एक स्थापित होने लगा, उन्हें कुछ मिलने लगा कोर्स मटेरियल। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत आगे बढ़ रही हैं और डिफरेंट तरीके से, लेकिन बहुत तेज़ी से भी बढ़ रही हैं। एक थोड़ा मजे वाला सवाल है, ऐसे ही मेरी इच्छा हो गई, अब क्या करूं, कठपुतली हूं ना तो पूछे बिना रह नहीं सकता। जी जी जी। सवाल ये है कि अभी भी कोई गांव आप देख रहे हैं जिसमें टेलीविजन नहीं पहुंचा या लोगों के पास मोबाइल नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप भारत की स्थिति में ऐसा देखते हैं? तो देखिए, मैं इसको इस तरीके से कहना चाहूँगा कि जैसे गांव-गांव में बिजली पहुँचाने का एक सरकारों का एक महत्वाकांक्षी योजना रही है, और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ तो सरकारी डेटा कहता है कि 98% गांव में इस वक्त बिजली पहुँची है। बिजली पहुँची है तो मतलब वहाँ टेलीविज़न भी होगा, उन पर कम से कम कुछ ना कुछ एक साधन, बिजली, भाई टेलीविज़न चलाने के लिए बिजली चाहिए आपको, है ना, बिजली की उपलब्धता होनी चाहिए, तभी चलेगा, तभी चलेगा। जी जी। तो वो कम से कम एक तरीके से हम कह सकते हैं। और मुझे लगता है टेलीविजन से भी आगे जो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में फैला है वो है मोबाइल फोन, छोटा सा डिवाइस जो आपके हाथ में रहता है, हर किसी के लिए जरूरत बन चुका है, और क्या कहते हैं कि सूचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन हो चुका है। लेकिन ये बात आपकी सही है कि कई जगह दूर दराज के इलाकों में हो सकता है आज भी इंटरनेट की वो गति नहीं मिलती या इंटरनेट उतनी मजबूती से नहीं चल पाता, वहाँ वो दिक्कतें हैं अभी, लेकिन फिर भी एक बड़े वर्ग तक इंटरनेट की पहुँच हुई है, सूचनाओं की पहुँच हुई है, लोगों को पता चलने लगा कि भारी दुनिया में क्या हो रहा है। और आज भी देखो आप, हम अपने राज्य को लेते हैं, उत्तराखंड को लेते हैं, कई दूर दराज के क्षेत्रों में पहाड़ के छोटे छोटे इलाकों में लोग, बच्चे पढ़ रहे हैं और मोबाइलों से पढ़ रहे हैं, कईयों के घर में कंप्यूटर्स नहीं हैं तो वो अपने मोबाइल में ही उस एजुकेशन को ले रहे हैं और अपने माँ बापों से सेलफोन लेते हैं, उसी में पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक एक नई जो चीज़ थी जो एकदम नई समाज में एकदम एक झटके में सामने आई कोरोना की वजह से, वो अब आगे तो बढ़ी है कुछ कुछ, और मुझे लगता है आने वाले समय में चीज़ें काफ़ी सुधरेंगी और व्यवस्थाएं मजबूती होंगी। तो आपसे मेरी बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं आपसे चाहता हूं कि आपकी फाइनल दर्शकों से बातचीत, आप एक मीडिया पर्सन होने के नाते व्यक्तिगत तौर पे आप क्या कहना चाहते हैं और मुझे भी क्या सुझाव देना चाहते हैं, मैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखूं? आपका तो खैर मल्टीमीडिया का तो कोई सब हाथ में नहीं है साहब हमारे, लेकिन फोक मीडिया तो हमारे हाथ में है, आप मुझे क्या कह सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप ज़रूर दीजिए। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि फोक मीडिया तो कम्युनिकेशन की और जो हम बातचीत समाज के साथ जो हम संपर्क स्थापित करते हैं उसकी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और बहुत मजबूत कड़ी है। ये मीडिया समाज में जिंदा रहना चाहिए और मुझे लगता है जिंदा रहेगा भी, हमेशा रहेगा, क्योंकि आपकी जो सबसे बड़े दीवाने हैं वो बच्चे हैं। जी हैं, और बच्चों से कठपुतलियों को कोई नहीं छीन सकता, और आपका जो लिंक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो चीज़ रहेगी रहेगी, वो कम्युनिकेशन में बड़ा उसका कोई तोड़ नहीं है। और दूसरी बात मैं वही कहूँगा कि हम सब लोग समाज में अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जो भी मीडिया में काम करते हैं या मीडिया से बाहर जो सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहते हैं, सब अपनी जिम्मेदारी समझें और खासकर सूचनाओं के आदान प्रदान को लेकर जिम्मेदारी समझें, सूचनाओं को ठोक बजा के देखें, गलत खबरों का संप्रेषण करने से बचें। कई बार गलत खबरें इतनी हावी हो जाती हैं कि हम भी कई बार चकरा जाते हैं कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सही तो नहीं है, और दबाव इस कदर का है कि आपके इतने सोर्सेस से वो गलत इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि एक बार आप भी मानने लगते हैं कि क्या पता सही है। तो इसलिए सब लोग समाज में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, चाहे जो सोशल मीडिया में है, मीडिया में है, और मुझे लगता है चीज़ें अपने आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगी और जो उसकी गति है वो भी अच्छी रहेगी, सब चीज़ें वो ठीक ठाक ढंग से चलेंगी, सिर्फ जिम्मेदारी अपनी जो है वो कोई ना छोड़े, जिम्मेदारी से चीज़ों का निर्वहन करें, जिम्मेदारी से चीजों का निर्वहन करें, सूचनाएं आई तो फटाफट शेयर ना कर दे, देख लें, जान लें, समझ लें, फिर उसके बाद समझकर एक दो लोगों से बात करके फिर शेयर करें। जैसा आपने सुना, मुझे लगता है अनुपम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपके माध्यम से हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई, बहुत सारी दर्शकों को जानकारियां मिली होगी, हम फिर बात करेंगे किसी और हस्ती से अगले एपिसोड पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत धन्यवाद।